हम आज का पहला स्कंद अध्याय 5 और श्लोक संख्या है 20 शुरू करने जा रहे हैं। मैं पहले रिसाइट करूंगी, मेरे बाद आप उच्चारण करने की कोशिश करना। इदं हि विश्वं भगवान इव इतरः, इदं हि विश्वं भगवान इव इतरः, यतः जगत् स्थान निरोध संभवः, यतः जगत् स्थान निरोध संभवः, तत्हि स्वयं वेद भवान् तथा अपीते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। इदं हि विश्वं भगवान इव इतरः, यतः जगत् स्थान निरोध संभवाः, तद्हि स्वयं वेद भवान् तथा पिते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अनुवाद और कोई ऑनलाइन पढ़ना चाहेगा, रिसाइट करना चाहेगा श्लोक? आपने ऊपर कर दिया, ऑनलाइन कोई बोलेगा? ऑफलाइन? इदं हि विश्वं भवान् इव इतरः, यतः जगत् स्थान निरोध संभवात्, यतः जगत् स्थान निरोध संभवः, तत् हि स्वयं वेद भवान् तथा पीते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। ऑनलाइन कोई पढ़ना चाहेगा? हरे कृष्ण माताजी, बोलिए माताजी। हरे कृष्ण। इदं हि विश्वं भगवान् इव इतरः, इदं हि विश्वं भगवान् इव इतरः, यत जगत स्थान निरोध संभवः, तत् हि स्वयं वेद भगवान् तथा पीते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। धन्यवाद। हरे कृष्ण। इदं हि विश्वं भगवान् इव इतरः, यतो जगत् स्थान निरोध संभवम्, तदि स्वयं वेदा भवयस्ति स्थापिते, प्रादेशमात्रं भवतः प्रदर्शितम्। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान स्वयं विश्व स्वरूप है, तथापि उससे निर्लिप्त भी है। उन्हीं से यह दृश्य जगत उत्पन्न हुआ है, यही पर उन्हीं पर टीका है और संहार के बाद उन्हीं में प्रवेश करता है। तुम इस सबके विषय में जानते हो, मैंने तो केवल सारांश भर प्रस्तुत किया है। तात्पर्य, शुद्ध भक्त के लिए मुकुंद भगवान श्री कृष्ण संबंधी धारणा सगुण तथा निर्गुण दोनों ही होती है। व्यक्तित्वहीन विश्व स्थिति भी मुकुंद है, क्योंकि यह मुकुंद की शक्ति का ही प्राकट्य है। उदाहरणार्थ, वृक्ष अपने में पूर्ण इकाई है, लेकिन पत्तियां तथा शाखाएं वृक्ष से प्रकट हुए अंश अंग स्वरूप है। वृक्ष की पत्तियां तथा शाखाएं भी वृक्ष है, लेकिन वृक्ष स्वयं न तो पत्तियां है न शाखा है। वेदों का यह कथन है कि समस्त दृश्य जगत ब्रह्म के अतिरिक्त कुछ नहीं है। यह बताता है कि
चूंकि प्रत्येक वस्तु परब्रह्म से उद्भूत है अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, इसी प्रकार अंग के रूप में हाथ तथा पांव शरीर कहलाते हैं, लेकिन पूर्ण इकाई के रूप में शरीर न तो हाथ है न पांव। भगवान तो शाश्वतता ज्ञान सौंदर्य के दिव्य स्वरूप है, अतः भगवान की शक्ति की सृष्टि भी अंशतः सच्चिदानंद स्वरूप प्रतीत होती है। इसीलिए बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव से सारे बद्ध जीव भौतिक प्रकृति के बंधन में बंधे हुए वे इसे ही सब कुछ मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें आदि कारण भगवान का कोई ज्ञान नहीं होता, न ही उन्हें इसका पता रहता है कि शरीर के अंगों को यदि संपूर्ण शरीर से विलग कर दिया जाए तो हाथ या पांव वही हाथ पांव नहीं रह जाते, जैसे कि वे शरीर से संयुक्त होने पर इसी प्रकार ईश्वर विहीन सभ्यता पूर्ण पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री भगवान के दिव्य प्रेमा भक्ति से कटकर छिन्न हाथ या पांव की तरह होती है। ऐसे अंग हाथ तथा पांव जैसे भले ही लगे लेकिन उनमें वह क्षमता नहीं रह जाती। भगवत भक्त श्रील व्यासदेव इसे भली भांति जानते हैं। श्रील नारद उन्हें आगे इस विचार को पल्लवित करने की सलाह देते हैं, जिससे बंधन में फंसे हुए बद्ध जीव उनसे शिक्षा ग्रहण करके भगवान को आदि कारण के रूप में समझ सके। वैदिक मत के अनुसार भगवान स्वभावतः पूर्ण शक्तिमान है और इस प्रकार उनकी सर्वोपरि शक्तियां सदैव पूर्ण तथा उनसे अभिन्न होते। आध्यात्मिक तथा भौतिक आकाश इन दोनों की सामग्रियां भगवान की अंतरंग तथा बहिरंग शक्ति का प्राकट है। बहिरंग शक्ति अपेक्षतया निकृष्ट है और अंतरंग शक्ति श्रेष्ठ है। श्रेष्ठ शक्ति पराजीवनी शक्ति अतः यह पूर्ण रूप से अभिन्न है, लेकिन बहिरंगा शक्ति निष्क्रिय होने के कारण अंशतः अभिन्न है, किंतु ये दोनों ही शक्तियां न तो समस्त शक्तियों के जनक भगवान के समान है न उनसे बढ़कर है। ऐसी शक्तियां सदैव उनके अधीन होती है। जिस प्रकार विद्युत शक्ति चाहे वह कितनी तेजोमय क्यों न हो सदैव इंजीनियर के नियंत्रण में रहती है, मनुष्य तथा अन्य प्राणी उन्हीं भगवान के अंतरंग शक्तियों से उत्पन्न है। इस प्रकार जो भी भगवान से अभिन्न है किंतु वह कभी भी न तो भगवान के तुल्य है और न उनसे श्रेष्ठ। भगवान तथा सारे जो वैष्टिक व्यक्ति है भौतिक शक्तियों के द्वारा जो भी कुछ न कुछ सृजन करते रहते हैं, किंतु उनकी कोई भी सृष्टि न तो भगवान की सृष्टि के समान होती है न उनसे बढ़कर। मनुष्य एक छोटा सा खिलौना जैसा स्पुतनिक बनाकर बाह्य आकाश में प्रक्षेपित कर सकता है, किंतु इसका अर्थ यह नहीं होता कि वह पृथ्वी या चंद्रमा जैसा ग्रह बनाकर भगवान की भांति उसे वायु में तैरा सकता है। अल्पज्ञ लोग अपने को भगवान के समान बताते हैं, लेकिन वे कभी भी भगवान के तुल्य नहीं हो सकते और न कभी होंगे। मनुष्य पूर्ण सिद्धि प्राप्त करने के बाद भगवान के गुणों का एक बहुत बड़ा प्रतिशत 78% प्राप्त कर सकता है, तो भी भगवान से आगे बढ़ पाना या उनके तुल्य हो पाना असंभव है। केवल रुग्ण दशा में ही पुरुष व्यक्ति भगवान से एक होने का दावा करता है और इस तरह वह माया द्वारा भ्रमित होता रहता है। अतः भ्रमित जीव को भगवान की श्रेष्ठता स्वीकार करनी चाहिए और उनके प्रेम में सेवा करने के लिए तैयार रहना चाहिए। जीवों की उत्पत्ति ही इसलिए हुई है, इसके बिना विश्व में किसी प्रकार की शांति या सौहार्द नहीं आ सकता। श्रील नारद श्रील व्यासदेव को भागवत में इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है, इस विचार को विस्तार देने का उपदेश देते हैं। भगवत गीता में भी इसी विचार की व्याख्या की गई है कि भगवान के चरण कमलों में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाओ, पूर्ण मानव का यही एकमात्र कार्य है। हरे कृष्ण ना अभी हम प्रयास करेंगे। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वंदे अहं श्री गुरोः श्रीयुत पदकमलं श्री गुरुं वैष्णवान् च श्रीरूपं साग्र जातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं
श्री राधा कृष्ण पदान सगण ललिता श्री विशाखान्वित ओम विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिनी नामिने नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा दंडवत प्रणाम सभी ऑनलाइन ऑफलाइन सब भक्तों को मैं आपके ओर से कृपा चाहती हूँ आपका स्वागत भी करती हूँ और आपसे कृपा भी चाहती हूँ कि मैं कुछ बोल पाऊँ इस श्लोक पे मुझे क्या बोलते हैं अपने प्रभु जी कौशिक प्रभु जी के द्वारा रात को 10 बजे ही कहा गया के तो मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग मुझे प्रे करें कि मैं अच्छे से कुछ बोल पाऊँ क्योंकि ये बहुत क्या बोलते हैं इसको कॉम्प्लिकेटेड यानी हमें उलझाने वाला श्लोक है तो इस श्लोक पे समझ पाना थोड़ा कठिन होगा तो पहले हम ये सोच याद करने की कोशिश करेंगे कि अभी तक ये श्लोक जो है ये नारद भगवान व्यासदेव जी को कहे थे नारद मुनि व्यास जी को बोल रहे हैं कि उन्हें क्या करना चाहिए आपको सबको अभी तक आपने सुना आपने याद भी होगा कि सरस्वती नदी के तट पे व्यास मुनि चिंता में बैठे होते हैं कि मैं अभी तक असंतुष्ट क्यों तब नारद मुनि वहां प्रकट होते हैं और नारद मुनि उनके गुरु है व्यासदेव जी के और उनका कर्तव्य बनता है कि वो अपने शिष्यों को सही सलाह दे क्या करना है क्या नहीं करना है वो कहाँ गलत हो रहे ये सब बताना गुरु का कार्य है तो अपना गुरु का कार्य निभाने के लिए उनके सामने प्रकट हुए और वो हंस रहे हैं उन्हें पता है नारद जी को भी पता है व्यासदेव जी को भी पता है कि क्या कम है क्या कमतरता है उन्होंने भक्ति के कार्य को एक्सपैंड करने के लिए कहा है इस श्लोक में बता रहे हैं वो कि आपने तो बहुत कुछ किया है लेकिन आपने भगवान के भक्ति के बारे में वो कैसी करनी चाहिए भगवान कौन है क्या है ये थोड़ा सविस्तर करके आप ऐसे भक्तों को बताइए जो आसक्ति में बद्ध हो चुके क्योंकि प्राय यह समाज भगवान कौन है भगवान से भगवान ही सब कुछ कारणों के स्रोत है ये समझ नहीं पाता हम भी शायद पहले ना समझ सकते हो लेकिन जैसे ही हम अभी यहाँ आने लगे और रेगुलरली डेली हम प्रतिदिन हम भागवतम भगवत गीता का श्रवण कर रहे तो हमें अभी अच्छे से पता है कि हमें श्रवण करना कितना जरूरी है और भगवान कौन है हम कहाँ से आए ये सब ज्ञान हमें अभी थोड़ा थोड़ा आत्मसात होने लगा है तो यही ज्ञान हमें आगे बढ़ा के हमारे संबंध को दृढ़ करने के लिए उसका उपयोग करना है वही अभी इस श्लोक में बता रहे नारद मुनि व्यासदेव जी को नारद मुनि कह रहे हैं कि भगवान भगवान का आपने सुना होगा कि भगवान का हम तीन इसमें क्या बोलते दर्शन कर सकते ब्राह्मण परमात्मा और भगवान तीन रूपों में हम उनका दर्शन कर सकते ब्रह्म यानी इफलजेंस सत दूसरा आता है परमात्मा सत चित सुपर सोल उसको बोलते हैं परमात्मा जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं और भगवान सच्चित आनंद भगवान का एक नाम है सच्चित आनंद कल ही मैंने बताया था शायद कि सत यानी नित्य चित यानी हमेशा रहने वाला शाश्वत
ये जो चेतना रही, चेतना से प्रफुल्लित, यानी भगवान जो है चेतना से भरे पूरे है, वो आत्माराम है, उनको बाहरी संतुष्टि की कोई जरूरत नहीं। हम उन्हें कुछ दे ना दे उससे उनको कुछ लेना देना है, लेकिन जब भी भगवान भक्त भगवान को प्यार से जो कुछ भी देता है वो स्वीकार कर लेते, वो आनंद से स्वीकार करते और भक्त पे वह कृपा करते। यहाँ पे उन्होंने बताया है, एक वृक्ष का उदाहरण दिया है कि वृक्ष अपने में पूरा इकाई में रहता है, उसके क्या रहता है, पत्तियां शाखाएं ये सब क्या है, वृक्ष के अंश है। लेकिन क्या वृक्ष क्या पत्तियां शाखाएं ये पूर्ण इकाई में नहीं, यदि पत्तों को या फांदियों को कट करके नीचे डाल दे, हम जमीन पे फेंक दे, तो वो उनका कुछ वैल्यू रहता है, उनकी कोई कीमत रहती नहीं, वो सूखे फेंकने में जाते, कचरे में जाते। जब तक वो वृक्ष से जुड़े हुए हैं तब तक ही उनको कीमत है, उनको वैल्यू है। उसके बाद वो बोलते हैं वैसे ही परम ब्रह्म ये अद्भुत है, अतः उनसे भिन्न कुछ भी नहीं है, हम भी भगवान के अंश हैं, पार्ट एंड पार्सल ऑफ द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड हेड। यदि हम भगवान के अंश हैं, इसका मतलब क्या हुआ, हम भी शाश्वत है और आनंदमय है, लेकिन भगवान के बराबरी के नहीं है। इसलिए देखो हमने सुना भी एक वर्ड असमोर्ध्व, यानी भगवान के बराबरी के नहीं, भगवान के समान नहीं, यानी भगवान की बराबरी के नहीं और भगवान से बढ़कर नहीं है, हम उनके बराबरी नहीं कर सकते। जब तक हम भगवान के साथ जुड़े हुए हैं तब तक हमारी वैल्यू है, और यदि हम भगवान से टूट के भगवान की भक्ति न करते हुए हम यहाँ भौतिक जगत में रह रहे और हम हमारी मनमानी कर रहे और हम आनंद ढूंढना चाहते, हर कोई आनंद चाहता है, कोई भी दुख में रहना नहीं चाहता, हर एक को क्या प्रिय है, आनंद, सब चाहते कि मेरे पास कोई दुख ना है, मैं शांति से रहूं, आनंद से रहूं, सब सुख सुविधाएं मेरे पास हो। लेकिन ये हो सकता है क्योंकि ये तो दुखाल है, लगता है किसी किसी को कि मेरे पास इतना बड़ा घर है, इतनी बड़ी गाड़ी है, मैं इतने बड़े पोस्ट पे हूँ, मैं मुझे तो कोई बात की चिंता नहीं है, लेकिन तो भी वह सुखी नहीं है पूरी तरह से, वो शांत नहीं, उसका मेंटेलिटी शांत नहीं, वो मेंटली थोड़ा दुखी रहता है। तो हमें सुख कहाँ मिलेगा, ये तो दुखालय, पुस्तकालय में जाएंगे तो हमें केवल पुस्तक प्राप्त हो गए, औषधालय में जाएंगे तो हमें औषधे मिलेगी, तो क्या ये दुखालय तो इसमें हमें सुख मिलेगा, परम सुख मिलेगा, ये तो नहीं है, नहीं शक्य है। हमें सुख प्राप्त करने के लिए भगवान की ओर मुड़ना होगा, और जब हम भगवान की ओर मुड़ेंगे, भगवान की शरणांगति लेंगे, भगवान की सेवा करेंगे, भगवान हर कार्य हम भगवान को अर्पित करेंगे, चाहे फिर हमारा सोना हो, चाहे हमारा खाना हो, चाहे हम गृहिणी भोजन बनाती है, तो ये भोजन भोजन न रखे, यदि हम भगवान को भोग लगाए तो क्या बन जाता है, प्रसादम बन जाता है, तो प्रसादम का भक्षण करके, पान करके, ग्रहण करके प्रसाद को, और भगवान का थोड़ा बहुत रीडिंग करके, थोड़ा बहुत सुन के, और जम पाए तो मंगल आरती, शयन आरती आदि करके, और भागवत कथा सुन के, ऐसे हर प्रकार के कार्य जितना हमें बन पाए उतने करने की कोशिश करना चाहिए, क्योंकि रोज का कार्य करना तो जरूरी होता है, क्योंकि हमें जवाबदारी भी है, हमारे ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी, हमारे परिवार की, तो परिवार के लिए हमें कार्य तो करना, भौतिक कार्य तो करना ही पड़ता है, लेकिन वो भौतिक कार्य को भी यदि हम भगवान के भगवान को सेंटर में रखे या भगवान को अर्पित करके करते हैं तो उस कार्य से हम बंध नहीं पाते, हम मुक्त रहते हैं, और हमें कर्म फल का भी बंधन नहीं रहता है, हम कर्म बंधन से मुक्त होते हुए हम भक्ति में आगे बढ़ते बढ़ते, भक्तों का संग करते करते, भक्ति में आगे बढ़ के हम आगे बढ़ते हुए भक्ति में प्रगति कर सकते। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये शरीर
समझो हमने ऐसे ये कर सकते हैं कि ये शरीर है ने भगवान, तो ये शरीर के जो हाथ पाए वगैरह है ये क्या हुए, जीवात्माएं हुई। तो क्या ये जीवात्माएं शरीर से अलग करने के बाद, शरीर से अलग करने के बाद उनको कुछ वैल्यू रहेगा, उनको कोई कीमत नहीं रहेगी। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है, ये जो शरीर है ये मेरा शरीर है, यदि मेरा ये हाथ कार्य कर रहा है, मैं पुस्तक के पन्ने पलटा रही हूँ या बोल मुख मेरा कार्य कर रहा है बोलने का, आंखें कार्य कर रही है मेरा देखने का, तो क्या मैं यदि हाथ को निकाल के रख दू, कट करके बाहर रख दू, बाहर रखने के बाद वो हाथ के जैसा तो दिखेगा लेकिन क्या वो हाथ के कार्य कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। तो हमें भी भगवान से ही जुड़े रहना है, भगवान से अलग करते ही हमारी भी अवस्था कटे हुए हाथ के समान हो जाएगी। अभी समझो आंखों में मोती बिंदु हो गए, उसके पहले हम समझते हैं जैसे बचपन में मैं देख पा रही थी, यंग अवस्था में देख पा रही थी, वैसे क्या मैं आज देख पाती हूँ, आज पढ़ पाती हूँ बिना इसके कुछ सहायता लेनी पड़ती है, किसकी, ये ऐनक की मुझे सहायता लेनी पड़ती है। यदि मैं ये ऐनक निकाल के रख दू तो क्या मैं भागवतम या गीता पढ़ पाऊंगी या कोई चीज पढ़ पाऊंगी या देख पाऊंगी, ये कभी भी समझ, हमें सहारा लेना ही पड़ता है। तो यदि सहारा लेना ही है तो हमें भौतिक चीजों का सहारा लेने के बजाय, भौतिक चीजों से आसक्ति बढ़ाने के बजाय, यदि हम हमारे जो परम पिता है उनको क्यों हम टुकराए, उनकी ओर क्यों ना बढ़े, उनकी सेवा क्यों ना करें। हम देखो एक परिवार होता है, उसमें माँ पिताजी रहते हैं, बच्चे रहते हैं, बच्चों को अपने पिताजी का माँ बाप का कहना सुनना ही पड़ता है। जब बच्चे थोड़े बड़े हो जाते हैं तो वो अपने मन का करने लग जाते हैं। यदि वे बच्चे पिताजी का कहना न मानते हुए यदि वो अपना कहना मानेंगे तो क्या घर में शांति रहेगी, टिक पाएगी, रोज के झगड़े हो जाएंगे। तो हमें यदि शांति चाहिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, भगवान ने जो हमें इंस्ट्रक्शंस दिए, भगवत गीता भागवत रूपी जो ज्ञान दिया है, उस ज्ञान को हमें आत्मसात करना है और उनको हमारे जीवन में उतारना है, और उस ज्ञान के द्वारा हमें आचरण में लाते हुए आगे बढ़ते रहना है। और हमारे से कोई गलत काम ना हो, हम किसी को दुखाए नहीं, इस बात का ध्यान रखते हुए हमें हमारा आचरण करना है, ताकि हम अपराध ना कर पाए, क्योंकि अपराध बहुत प्रकार के होते हैं, वैष्णव अपराध, सेवा अपराध आदि। तो भगवान क्या कहते हैं कि जो पहले मेरे भक्तों की सेवा करता है वो मुझे ज्यादा प्रिय है। भगवान की सेवा के पहले पहले हम भक्तों का संग करके भक्तों की सेवा करें, भक्तों की हमारे ऊपर कृपा हो गई तो हमारे ऊपर गुरु की कृपा हो जाएगी, गुरु की कृपा हो गई तो हमारे ऊपर भगवान की भी कृपा हो जाएगी, फिर हमें कोई बात की चिंता नहीं रहेगी। भगवान के कृपा के लिए हम चाहिए क्या, इस हमने बहुत जन्मों में कितने 84 लाख योनियां होती है, तो हमने अभी तक 83,99,999 योनियों में हमारे मनमानी ढंग से रह चुके हैं, लेकिन अभी हमें ये जो जन्म मिला है मानव योनि का, ये जो शरीर मिला है, इस शरीर का हमें अभी उपयोग काय के लिए करना है, भगवान की सेवा के लिए, भगवत प्राप्ति के लिए करना है, और भगवत प्राप्ति के लिए करने के लिए ये हमारा शरीर नाव की तरह है। हम इस नाव रूपी नाव में बैठ के हम भव सागर के पार जाते, इस संसार को क्या बोला गया है, भव सागर, भव सागर से पार करने के लिए हमें भगवान का ही सहारा लेना है। राम नाम सागर ऐसा कुछ कहते हैं कि राम नाम रूपी सागर नाव से हम तर जाते हैं, तो हमें सतत भगवान का नाम स्मरण करना है। और हमें चैतन्य महाप्रभु ने भी उनके आचरणों से सिखाया है कि भगवत भक्ति के अलावा कुछ भी नहीं, वो भी उनको भी उनके सहपाठी ने बोला था
कि आप इतने यानी शास्त्र वगैरह पढ़ने के बजाय आप केवल दिन भर हरे कृष्ण का ही जप क्यों करते रहते। वो बोले कि मेरे गुरु ने मुझे पहचाना कि मैं बहुत मूर्ख हूँ और इसलिए उन्होंने मुझे बोला कि केवल आप नाम संकीर्तन करो। इतना नम्रता हमारे में आनी चाहिए, इतने नम्र हमें होना है। जब हम नम्र हो पाएंगे तभी हम सब गुण डेवलप कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पे बोलते हैं कि ब्रह्मा भी क्या है, ये ब्रह्मा भी एक जीव तत्व है और हम कितना भी हम डेवलप कर ले तो हम 70 यहाँ पे यही श्लोक में आया कि 78% से हम ज्यादा डेवलप नहीं कर पाते, इसलिए हम भगवान की बराबरी भी नहीं कर सकते। हम भगवान की तरह और ये जो है ये भगवान की शक्तियों के द्वारा हम निर्मित है। भगवान की कितनी शक्तियां हैं आप सबको पता है, अंतरंगा शक्ति, बहिरंगा शक्ति और तटस्था शक्ति। और ये जो ब्रह्मांड की निर्मित हुई है ये भगवान के बहिरंगा शक्ति कहलाती है और ये अंतरंगा शक्ति के द्वारा ही निर्मित है। यहाँ पे मैं अभी एक लेक्चर सुन रही थी तो उसमें सुना कि भगवान एक ही है लेकिन उन्होंने अपने को दो इसमें डिवाइड किया है, एक है राधा रानी और दूसरे स्वयं कृष्णा। तो राधा रानी कुछ अलग नहीं, ये जो शक्ति हम देखते हैं जो कार्य होते हैं शक्ति उनके जैसे दुर्गा वगैरह ये सब राधा रानी की शक्तियां हैं। तो राधा रानी और कृष्णा दोनों एक ही है, अलग नहीं है, दोनों भी अलग नहीं है। तो दोनों में हम फर्क ही नहीं कर सकते। एक है शक्ति, राधा रानी शक्ति है तो कृष्णा क्या है, शक्तिमान है। शक्ति और शक्तिमान को हम अलग करके नहीं रख सकते। तो वैसे ही हम भी भगवान के बिना यदि अलग रहते तो हम भी कैसे टूटे हुए हाथ के जैसे है या फिर बिखरे हुए पत्ते डालियों जैसे है। तो हमें बिखरना नहीं, ना ही हाथ को कट के फेंक देना है। देखो इस दुनिया में समझो अभी मोतिया बिंदु हो गया मेरी आंख में तो इसका मतलब ऐसा थोड़े कि वो आंख को निकाल के दूसरी आंख कोई बनाए और वो उसको रख दे। ट्रांसप्लांट आप भले किसी के आंख का ट्रांसप्लांट कर सकते लेकिन आप बना नहीं सकते, कोई चीज हम बना नहीं सकते। यहाँ ब्रह्मांड में जितनी भी चीजें हमें दिखती है उसमें से एक भी चीज हम बना नहीं सकते। केवल और केवल हम चीजों को एकत्रित करके कलेक्ट करके उसको नया रूप दे सकते हैं, उससे कुछ चीजें बना सकते लेकिन हम नई निर्माण नहीं कर सकते उन चीजों को। और यहाँ पे ये भी बताया गया है कि वैदिक कथन के अनुसार भगवान स्वभावतः क्या है, पूर्ण शक्तिमान। और इस प्रकार उनकी शक्तियां भी क्या है, पूर्ण है और वो उनसे अभिन्न है। भगवान की शक्तियां भी पूर्ण और अभिन्न है, उनको हम भिन्न नहीं कह सकते। और ये सामग्री दोनों भी सामग्रियां भगवान की अंतरंगा तथा बहिरंगा शक्तियों का प्राकट्य है। यहाँ पे एक उदाहरण दिया है कि समझो कोई व्यक्ति एक खिलौना बनाए, छोटा सा स्पुतनिक बोला इधर, वो बना के वो यदि आकाश में छोड़ भी दे तो वो आकाश में जाएगा, उड़ेगा। लेकिन क्या हम भगवान जैसे चंद्र ग्रह या अलग जो ग्रह है उनको बना के उनको हवा में तैरा सकते हैं, वो हमारे लिए असंभव है। केवल और केवल हमारे लिए क्या शक्य है, भगवान को शरण जाना, भगवान की सेवा करना और भगवान के चरण कमलों को पूरी तरह से समर्पित होना और यही हमारा एकमात्र कार्य है। जिस कार्य के लिए हमें सभी में जागृति फैलानी है। और कृष्णा भी कहते हैं कि जो मेरे इस ज्ञान को सब लोगों में फैलाता है वो मुझे बहुत प्रिय है, वो भी प्रिय है और उसके साथ जो सुनने वाले वो भी मुझे प्रिय है। तो हमें वही कार्य करना है, हम तो सुन रहे हैं हमारे तक ही सीमित नहीं रखना है, तो हमें दूसरों को भी बताना है। जब हम शुद्ध हो जाएंगे पूरे तभी हम भगवान के बारे में बोल पाएंगे और जब हम बोल पाते हैं भगवान के बारे में जो भी बोलते हैं हम शुद्ध बोलते हैं और सामने वाले के हृदय में वो भी जाता है तो वो भी शुद्ध हो जाता है। तो दोनों शुद्ध हो गए तो क्या होता है, हमारी भक्ति पल्लवित होती है, एक्सपांड होती है
और जैसे जैसे भक्ति पल्लवित होती है, एक्सपांड होती जाती है, वैसे हमारा समाज के सब लोग यदि भक्ति स्वीकार करने लग गए तो हमारा समाज भी सुधर जाएगा, समाज में भी शांति आएगी, ये झगड़े दंगे कलह इसका कोई प्रश्न ही नहीं रहेगा। इसके लिए हमें सच कहे तो नेता लोगों को ये प्रशिक्षण देना चाहिए, उन्हें बताना चाहिए कि भागवतम आपको सुनना है, आपको भी ये नियमों का पालन करना है। और वैसे ही हमें स्कूल में महाविद्यालयों में बच्चों को भगवद गीता भागवतम फिर आगे चल के पोस्ट ग्रेजुएशन में चैतन्य चरितामृत इनके द्वारा यदि हम उनको शिक्षा देते हैं तो पूरे यूनिवर्स में एक दिन ऐसा आ जाएगा कि सब जन एक दूसरे को मदद करते हुए शांति से अपना जीवन यापन करेंगे और कोई झगड़े का कोई किसी बात का टेंशन नहीं रहेगा। तो हम टेंशन मुक्त होना चाहते तो हमें क्या करना होगा, भगवान की शरणागति लेनी होगी और कहना होगा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। कोई टीका टिप्पणी करेगा, कोई कुछ कहना चाहेगा? हरे कृष्णा माता जी, बहुत बहुत धन्यवाद। इस श्लोक पे जस्ट मुझे एक और चीज याद आ रही थी जो एक बार डिस्कशन करते हुए महाराज जी बता रहे थे कि अब तक ये हुआ कि नारद जी ने व्यासदेव जी के मन में जो क्लेश चल रहा था, मन में जो असंतुष्टि चल रही थी, उसका ठीक से डायग्नोसिस कर लिया और उसके ऊपर दवाई भी बता दी। अब दवाई बताई ही नहीं तो वो दवाई कैसे लेनी में क्या क्या होना चाहिए, ये सब बातें नारद जी अभी व्यासदेव जी को बता रहे हैं। और बताते बताते उन्होंने पूरा जो ज्ञान का जो सार है ना, वो ये जो श्लोक अभी हम पढ़ रहे हैं उसमें आ रहा है। जैसे पहले श्लोक में उन्होंने बता दिया कि भाई एक बार कोई भक्ति में आ जाए और वो रुक भी जाए तो उसकी शुरुआत वहीं से होगी। फिर बता दिया पतन हो भी जाता है तो भी वो पतन मत समझना चाहिए, क्योंकि वो भगवान की मर्जी थी और भगवान जो है वे ऐसे बाल खींच कर लेकर आएंगे कि भाई तूने एक बार भक्ति कर ली, अब तो तुझे भक्ति करनी ही पड़ेगी और मेरे पास वापस आना ही पड़ेगा। और ये भगवान क्यों कर रहे हैं उसके पीछे का जो गुह्य ज्ञान है, वह गुह्य ज्ञान इस श्लोक में आ रहा है। वही ज्ञान जो हम गीता के 11वें अध्याय में भी देखते हैं। यहां पर नारद मुनि जी बताते हैं वह कृष्ण ऐसे है, भगवान ऐसे है जिन्होंने न केवल इस सृष्टि का निर्माण किया है, वे सृष्टि में है और सृष्टि भी उनमें है और उनके साथ ही है और हम जो जीवात्मा है वो भटक गए हैं। बहुत ही सुंदर तरीके से प्रभुपाद जी तात्पर्य में इस गुह्य ज्ञान को समझाने की कोशिश करते हुए हमें कई उदाहरणों से ये समझा रहे हैं कि कैसे हम हमारी गलती से हमारा जो परमोच्च स्थान था, हमारा जो परम लक्ष्य था, हमारा जो परम कर्तव्य था, उससे भटक गए और हम इस भौतिक दुनिया में भवचक्र में फंस गए। जन्म मृत्यु जरा व्याधि को सहन कर रहे हैं। देखा जाए तो हम भगवान के अंश हैं, हम अनु हैं, भगवान विभु है, लेकिन जब तक ये कनेक्शन एस्टेब्लिश नहीं होता तब तक इस अनु को भी कोई यूज ही नहीं है। लेक्चर देते हुए एक बार प्रभु जी बताते हैं कि जैसे अभी मेरे सामने ये लाइट का बल्ब चल रहा है, अभी लाइट का बल्ब तो चल रहा है, उसमें क्षमता है कि वो जले उजाला दे, लेकिन उसके लिए जो ऊर्जा है वो ऊर्जा तो आती है जहां से ये जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन है, तो इलेक्ट्रिसिटी सबस्टेशन, इलेक्ट्रिसिटी का जो सोर्स है, ऊर्जा का जो स्रोत है, उस ऊर्जा के स्रोत तक जब तक इस बल्ब का कनेक्शन ना हो जाए ये जल नहीं पाएगा। और इसीलिए ये जो कनेक्शन की चीज आती है वो बहुत ही ज्यादा जरूरी होती है। वैसे ही
हम जीवात्माओं को हमारा जो कनेक्शन है वो कृष्ण के साथ लगाना बहुत ही आवश्यक है। और कृष्ण, क्योंकि कृष्ण पूर्णो पुरुषोत्तम है, जैसे इस परपट में प्रभुपाद जी ने जो बातें लिखी वो बहुत सी बातें ईशोपनिषद के इन्वोकेशन में भी प्रभु जी ओम पूर्णमिदं पूर्णम पूर्णमिदं पूर्णात पूर्णम उदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णम एव अवशिष्यते। भगवान परिपूर्ण है और इतने पूर्ण है कि उस पूर्ण में से यदि कोई बाहर आ रहा है तो वे भी पूर्ण है, लेकिन ऐसे वे पूर्ण है कि वो पूर्ण बाहर आने के बाद भी वे पूर्ण रहते हैं। Even after the whole emanate from the Lord still remains the complete whole. और ये केवल भगवान ही कर सकते हैं, बाकी कोई चीज ये कर नहीं सकता। और इसीलिए भगवान का ये जो सच्चिदानंद स्वरूप है वो समझना हमारे लिए जरूरी है। सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, सिर्फ सच्चिदानंद स्वरूप नहीं तो सच्चिदानंद विग्रह स्वरूप, भगवान इज हैविंग अ फॉर्म बेसिकली। ऐसा नहीं कि वे फॉर्मलेस, क्योंकि जब तक हम भगवान कृष्ण को भगवान के स्वरूप में ना जान ले तब तक हम कुछ भी नहीं कर पाते। कई बार हम देखते हैं कि हमें अलग अलग आध्यात्मिक मार्गों के बारे में बताया जाता है, अलग अलग फिलोसॉफीज के बारे में बताया जाता है, लेकिन हर चीज जो पूर्ण पुरुषोत्तम कृष्ण है वहां तक नहीं पहुंच पाती। कई लोग बोलते हैं कि इट्स ऑल इमेनेटिंग फ्रॉम द ब्रह्मन इफल्जेंस। ब्रह्मन इफल्जेंस तो यस, ये भगवान का वह तत्व इटर्निटी है, इटर्नैलिटी है, लेकिन यह सिर्फ सत स्वरूप तक हम पहुंच, भगवान का असली स्वरूप तक तो हम नहीं पहुंच पाते। कई लोग बोलते हैं कि भगवान इज परमात्मा, ही इज एकंपनिंग ईच वन ऑफ अस। यस, सच है और यह ज्ञान है, तो हमने भगवान का सत और चित ये दोनों बातें समझ। लेकिन जब हम समझते हैं कि भगवान कौन है और उस इफल्जेंस के परे भी कुछ है और परमात्मा भी भगवान के भगवान से ही आए हैं, भगवान का ही एक्सपांशन है और भगवान आनंदमय सेवा ग्रहण कर रहे हैं, तब हमें भगवान का आनंद स्वरूप, सच्चिदानंद स्वरूप जो है वो समझ में आता है। और जब हम समझ लेते हैं कि भगवान जो है सच्चिदानंद विग्रह है, तो तभी हमारी जो भक्ति है वही परिपूर्ण हो सकती है और हमें वह उत्सुकता निर्माण हो जाती है कि यस, मुझे भी उनके पास जाना है, मुझे उनकी सेवा करनी है। जैसे कल हम भागे भागे दौड़े दौड़े आए थे जगन्नाथ जी को पुष्प का जो उन्होंने परिहार किया था वो देखने के लिए, वैसी उत्सुकता हमारे मन में आनी होगी कि हम कैसे गोलोक वृंदावन में जाए, कृष्ण की वह गोविंद के स्वरूप में वहां पर जो सेवाएं ग्रहण कर रहे हैं उसे देखे और वहां हमारी निरंतर सेवा देते रहे। कृष्ण जो है वह परिपूर्ण है, जो इस श्लोक में आए हैं उनका विश्वरूप स्वरूप है, विराट स्वरूप है, जैसे गीता में स्वयं कृष्ण ने बोला था और उसी का संदर्भ इस श्लोक में भी आ रहा है जो नारद जी बता रहे हैं। और नारद जी यहाँ तक आगे बता रहे हैं कि मैंने तो केवल सारांश दिया है, तुम उसे अब पूरी तरह से पूरा लिख लो। तो ये जो श्लोक थे उस हिसाब से भले ही समझने में थोड़ी मुश्किल हो, लेकिन जब आप पूरे शास्त्रों से प्रभु जी के, प्रभुपाद जी के, महाराज जी के लेक्चर्स को साथ में लेकर आप इसको समझने की कोशिश करते हो तो समझ जाते हैं कि भगवान की सेवा ही हमारा परमोच्च लक्ष्य है। और जब भगवान की सेवा की बात आती है तो जैसे माता जी आपने भी अभी थोड़ी देर पहले सही में बताया कि भगवान की सेवा कैसे होती है, उनके भक्तों के द्वारा। तो भक्तों की सेवा जब हम करना शुरू करते हैं, वैष्णवों की सेवा हम करते हैं,
तो अपने आप जो है वो गुरु प्रसन्न होते हैं, और गुरु जो होते हैं वे भगवान के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, और गुरु यदि प्रसन्न हो जाए तो वे परंपरा में रिक्वेस्ट करते हैं कि हाँ ये अभी अच्छी सेवा कर रहे हैं, इन्हें भी वापस ले लीजिए, सेवा में हमेशा के लिए रख लीजिए। और राधा रानी के पास जब वो रिकमेंडेशन चला जाता है तो राधा रानी जैसे ही बोलती है तो कृष्ण कभी ना नहीं बोलता। तो इसीलिए परंपरा में रहना, परंपरा से ज्ञान प्राप्त करना, परंपरा में जो आदेश आ रहे हैं उन आदेशों का पालन करना, यही इस कलयुग में स्पेशली भक्ति के लिए एकमात्र जो है सॉल्यूशन। और हमें इसी हिसाब से सभी आदेशों का, और आदेश कुछ मुश्किल नहीं है, बहुत आसान है। हमें क्या करना है, सिर्फ ABCD भक्तों का संग लेते रहना है। आप सब लोग ऑनलाइन तो हमेशा आते ही रहते हैं, बस आपको कोशिश करनी है कि इस ऑनलाइन संग को ऑफलाइन में हमें बदलना है। और ऑनलाइन भी जो संग हम ले रहे हैं, हमारे साथ और 100-100 लोगों को जोड़ लेना है, तो संग बढ़ेगा। और जैसे ही संग बढ़ता है ना तो भक्त की कृपा होती है, और भक्त की कृपा होने पर ही भक्ति का उदय होता है। शास्त्रों का अध्ययन करना है भी मतलब, और वो हम कर ही रहे हैं। नित्यम भागवत सेवया, रोज सुबह हम भागवतम कक्षा ले रहे हैं, भगवतम कक्षा में सुनाई समझ रहे हैं, शाम को भगवत गीता पढ़ रहे हैं, दिन में अलग अलग रीडिंग ग्रुप्स बन चुके हैं, अलग अलग किताबों का अध्ययन उसमें हो रहा है, जपा करते रहना है, चैंटिंग, क्योंकि कलयुग में संकीर्तन के अलावा और कोई तरीका नहीं है। इसलिए शांति से ध्यान लगाकर, एक मंत्र पर पूरा ध्यान रखकर, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे, हर शब्द को सुनिए, एक माला से शुरू कीजिए, 16 तक पहुंच जाइए। और प्रभुपाद जी की हम पर इतनी कृपा थी कि उन्होंने सिर्फ 16 का ही टारगेट दिया। तो उस हिसाब से हमें करना है। और डाइट कृष्ण प्रसाद कैसे हो, जैसे माता जी ने अभी बताया कि गृहिणियां जब ये प्रसाद बनाती है और जगन्नाथ जी को भोग अर्पण कर देती है तो प्रसाद बन जाता है। लेकिन प्रसाद बनाते हुए भी उनका उद्देश्य क्या होता है, ये नहीं होता है कि मुझे परिवार वालों के लिए प्रसाद बनाना, नहीं, मुझे मेरे जगन्नाथ जी के लिए आज ये प्रसाद बनाना है। जगन्नाथ जी को शायद ये खाने का मन कर रहा है, जगन्नाथ जी के लिए मुझे ये पकवान बनाने हैं, जगन्नाथ जी के लिए मुझे ये जूस बनाना है, जगन्नाथ जी को मुझे आज सर्दी हो रही होगी, ठंडी हो रही है, गर्म पानी पिलाना है। जब आप सब कुछ सिर्फ जगन्नाथ जी के लिए करोगे, जगन्नाथ जी वो बहुत भाव रही है, तो उसका बहुत ही उत्सुकता पूर्ण ग्रहण करेंगे, और वे दयालु भी है तो वापिस हमें दे भी देंगे, और फिर जब हम ग्रहण करते हैं तो वो प्रसाद ही हुआ ना। और साथ में डी का एक और आता है, डीटी वर्शिप, डीटी सेवा, विग्रहों की सेवा हमें कर, कोशिश करनी है महीने में कम से कम एक दिन तो मंदिर आकर मंदिर में कुछ सेवा करने की कोशिश करें। आज हमारा खराड़ी का जो संघ है वो तो काफी आप सब लोगों के सहायता से अब हम बड़े हैं, तो काफी सेवाएं होती है, तो आप सबसे विनती है कि कृपा करके आते रहिए, जब भी मौका मिले, और कोई ना कोई सेवा लेते रहिए। और जब हम विग्रहों की सेवा करते हैं तो हमें डायरेक्ट बहुत ज्यादा प्रमोशन मिल जाता है भक्ति में, तो उसका तो हमें बेनिफिट लेना ही चाहिए ना। और जब हम ये सब करेंगे तो अपने आप, रूपाज जी ने प्रॉमिस किया है कि भाई मैं सब कुछ संभालूंगा, मैं स्वयं तुम्हें लेने आऊंगा। एक और 2 मिनट बोलना चाहूंगा, मुझे अचानक से कथा याद आ गई। एक छोटा बच्चा था, वो जस्ट पढ़ना शुरू किया था, बोलना शुरू किया हुआ था, उसे पढ़ते हुए बोलते हुए अ ब क ड इतना ही आता था। तो वो मंदिर आता, मंदिर में पूरी तरह से दंडवत करता, और वो देखता कि पुजारी कुछ मंत्र बोल रहे हैं,
पुजारी मंत्र बोल रहे हैं वो देखता और उसे लगता मंत्र बोलने से प्रभु भगवान जो है वो प्रसन्न होते हैं, तो वह भी अपनी टूटी फूटी भाषा में अब कड़ ऐसा कर दे। पुजारी ने ये देखा कि भाई ये क्या कर रहा है, तो पुजारी पूछते तू ये क्या कर रहा है, तो बोले मैं मंत्र बोल। तो पुजारी बोलते अरे ये मंत्र ऐसे नहीं होते, मंत्र ऐसे। तो उसने बोला महोदय मुझे मुझे सिर्फ इतना ही बोलना आता है, इतना ही पढ़ना आता है, तो मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगा और मेरे पिताजी बोलते हैं कि आपको जो आए वो आप बोलिए, समझना तो कृष्ण को है, वो बराबर समझ जाए। तो ऐसा नहीं है कि मंत्र ऐसे के वैसे बोलूंगा तो ही भगवान समझ पाएंगे, मुझे जो बोलना है मेरी सेवा जो है वो शायद भगवान को समझ में आ ही जाएगी। मतलब वो पुजारी जी ने भी सोचा कि बच्चा सच तो बोल रहा है, इतनी हजारों भाषाएं इस पृथ्वी तल पर ही है, ब्रह्मांड की बात तो अलग कर ली, इस पृथ्वी पर ही, और हर एक भाषा में भगवान के लिए कुछ ना कुछ बोला जाता है और फिर भी भगवान उसे समझ देते हैं। तो भाषा या बोलना यह जरूरी नहीं है, तो वो जो भाव है वो भाव जो समझना है वो कृष्ण समझ लेते हैं। और इसीलिए भाव के साथ सेवा, भाव के साथ कोशिश, यह ज्यादा मायने रखता है। जैसे कुछ दिन पहले मुझे बताया तो किसी ने पूछ भी लिया था कि हम तो बोल नहीं पाते प्रभु जी, तो हम कैसे प्रचार करें, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ने तो आदेश दिया है, जा रहे देखो तारे कहो कृष्ण उपदेश। तो मैं तो अपने घर में ही बोलने से डरता या डरती हूं। भाव जरूरी। अब बस रूपाच किताब लेके खड़े रह जाइए और देखिए क्या चमत्कार होता है। कल यहीं पर हमारे वडगांव शहरी में एक सोसाइटी है, वहां काफी लोग इकट्ठा हुए थे, नववर्ष मना रहे थे, प्रभु जी आए और वहां पर रॉल पर किताबें लेकर बैठ गए थे। आप विश्वास नहीं करोगे, कई हजारों की ग्रंथ वितरण कल वहां पर होता है। तो भाव जरूरी है, भाव के साथ सेवा कीजिए, सब कीजिए और सब कुछ हो जाएगा। जैसे श्लोक में बोला है सब कुछ कृष्ण के अंदर है, कृष्ण में सब कुछ समाया है, हम कृष्ण के हैं, कृष्ण हमारा है, बस हमें ये लिंक जोड़नी है। और जैसे ही ये लिंक जुड़ जाए तो हमारी ये जूम की लिंक भी करोड़ों लोगों में पहुंच जाएगी। हरे कृष्ण वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्ण। आप में से किसी का कोई प्रश्न हो तो आप पूछ सकते हैं, यदि कोई प्रश्न नहीं हो तो हम कथा को यहीं पर विराम देंगे। हरे कृष्ण कौशल्या माता जी दंडवत प्रणाम, आपके दर्शन हो गए, क्षमा करना आज मैं वहां तक नहीं पहुंच पाया। हरे कृष्ण, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद माता जी, आप दर्शन दे रहे हैं सभी लोगों को जूम पर। मैं जस्ट इसको हाईलाइट कर देता हूँ ताकि सब लोगों को ये दिख जाए। कौशल्या माता जी की जय हो, आज उन्होंने हमें जगन्नाथ जी के वहां से दूर होते हुए भी दर्शन दे रहे हैं, तो ये सब लोग देख सकते हैं दर्शन। हरे कृष्ण, बहुत ही सुंदर जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा मैया सुदर्शन जी के विग्रह। हरे कृष्ण, किसी का कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। शाम को गीता रसामलयम कक्षा इसी तरह शुरू रहेगी। आइए। हरे कृष्ण वैष्णवेभ्यो नमो नमः। ग्रंथम की जय। बात की जय सभी वैष्णव वृंद। हरे कृष्ण हरे कृष्ण।